दान कौन घेर उतरब है या देने जाबो इसी के खा तो देखे जाबो हां चल चल देखे चल तालाब बना दीजिए दी नो हां हम हमारे लिए एक खदान है देखिए और ये डंपिंग है जंगल जैसे नहीं दिखता है डंपिंग है और डंपिंग के नीचे हमारा बस्ती है ढोंगा मऊहा और चिमनी भट्ट वही धुआं हर उड़ उड़ के सब बस्ती में आता है घर में हो ही मैंसे में हो ही कपड़ा में हो ही खाना पीना में हो ही बारी में साग सब्जी कमाए रहती है अड़केर की बारी जगह रही थे हर साग सब्जी कमा रही तो साफ पूर नहीं धो ले हर खात रांधत नहीं बने कैसे जीते हैं हम लोग जानते हैं हाँ वही अंदर में घुसत रही कोई कराई या निकलत रही लेकिन ये ठीक लगा थे हम नहीं देखे ओ बाहर से काम करने के लिए आते हैं किराए में रहते हैं तो अंदर में जाते हैं ना उस समय वो साइन देकर जाते हैं और फिर बाहर में निकलते हैं ना तो वो नहीं रहता है साइन तो उसमें पहचान होता है कि आदमी नहीं है खत्म नहीं दिखता है किसी को ये भी हमारे गांव हम सीधा निकल के ढोंगा मऊहा बेटी घर है ए दत्की लम्मा खुश ले हम जान और वैद्य जान वैद्य चल दन आज ही तो साला वो चार कोना रेंगा थन तहु ले नियम रहा था तो कहाँ ले बेटी घर जाबो ये साल हो गई इसने हमन नहीं जा पा नहीं हमन सब कुछ करा थे तो वो मन बड़े आदमी बना थे ना हमन हमन बना के बहुत बड़े गलती करें वो मन ला हमन लोग कुछ नहीं समझा थे साला चोर है लबरा है साला चोर है हमार तुहार बोबा दिन में आपकी पैसा ला नहीं देखे हो पैसा दो सब लड़की के शादी मोर जिमा है हाँ लड़की के शादी कर हो और तुम्हारे लड़का को हम ऐसी में बैठा के नौकरी देंगा सब कुछ बोला लेकिन कुछ भी नहीं करती शादी खिड़का ला दो कुटी नहीं करी कभी एक लाख 12,000 हेक्टेयर इलाके में फैला गारे पेलमा कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है 12 से अधिक खदानें 7 चालू व 5 प्रस्तावित और 5 थर्मल पावर प्लांट 2 चालू 3 प्रस्तावित इस इलाके के 116 गांव में से 90 गांवों को प्रभावित करते हैं जंगल झार हमारा है अधिकार आदिवासी जमीन मा TRN कंपनी बैठे है अधिकार नलवा हर आटा गे नंदी आटा गे हमार गाँव जबरदस्ती हमार पाइप ला फसाए है TRN कंपनी के खिलाफ आदिवासी जमीन ला एकड़ में 5,000 देवा थे इस DM तहसील कोर्ट में 70 खान लगा थे जाड़ो जंगल हमार हवे अधिकार मा दारू पिला के पिकअप चढ़ा के बैहा मुड़ा घर घोड़ा में रईसी करा थे जय हिंद जय छत्तीसगढ़ कहीं चना लगाते थे गेहूं लगाते थे धान कमाते थे और आलू प्याज पूरा बहुत सारा खेती करते थे इतना गड्ढा में कहाँ पहचान पाएंगे हमारा हमारे गांव का जमीन गोटिया लोगों का कहाँ पर किसका जमीन था ये तो पता ही नहीं चल रहा है कैसे पहचानेंगे ये तो पूरा गड्ढा ऐसे गड्ढा तो हम कभी देखे नहीं थे गड्ढा को देख के हम हमारा जान भी चले जाएगा जैसे लगता है तो जिस समय खदान हुआ ना तो खम्हारी डोकरा आया यहाँ
और खदान को देखा तो पूरा बेहोश हो गया। उसको उसके परिवार के लोग उठा के ले गए घर कि मेरा ज़मीन आज से ख़त्म हो गया बोल के। कुछ दिन बाद वो ख़त्म ही हो गया। हम तो कुछ दिन जी ले, लेकिन हमारे बच्चे लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे बोल के बहुत ज़्यादा हमको चिंता हो जाता है। और कभी कभी बच्चे लोग भी इसी रास्ते से ऐसे गुजरते हैं, पढ़ने जाते हैं। क्या आवाज़ आ रही है दीदी? जो डंफर वो खाली कर रहा है, वो कोयला उठा रहा है, उसको गिरा रहा है, इसका आवाज़ है। तो ये रहा काली तालाब है। हमारे कन्हई सुपाल सब करम सिंह सब इसे मिल के हम तय किए कि तालाब रहेगा तो बच जाएगा बस्ती, ऐसे करके बोलेंगे और इसे तालाब बनाएंगे करके इस तालाब को खोदाया। तो सर्वे करते हैं और खोदते खोदते वो घर के किनारे में तो खदान है। सरकार तो कंपनी के तरफ से पैसा ले गए ना, और वो बोले कि जाओ तुम छत्तीसगढ़ में बैठो, वहाँ जितना माल माती है उसे तुम व्यापारी करो। यहाँ क्या करती है, कोयला खोदती है दूरबीन में देख के, सबको खोद खोद के निकालती है और अपन व्यापारी धंधा करती है। कंपनी के लोग आए थे और थाना के पुलिस आए थे और एक अरई, तो वहाँ पर सर्वे करते हुए तो हम 50 महिला डंडा धर धर के आए थे। तो लड़का लोग वहाँ रुक गए और वो रस्सी लमाते जा रहे, तो मैं फेंकते जा रहा हूँ कि हम सर्वे करने नहीं देंगे। मैं ऐसा बीन के उठा के फेंक दिया रस्सी को, जाओ कि कुछ भी करना है तो कर लो, मैं हमारे पास तो अब कुछ चारा नहीं है, तो हम यहाँ सर्वे करने नहीं देंगे। अभी सर्वे करोगे तो रात के आके खोदोगे तो लोग कहाँ जाएंगे। बोले आज से दोबारा लौट के मत आना बोल के मैं उसे हटा दिया। तो वो साला क्या किया, हमें मारा था बोल के कन्हई, जितना लड़का मन बीच में दूर में रहती है वो लड़का के नाम नाम जिसका जिसका जानती है उन्हीं के नाम से प्यार दर्द किया था। अभी तक ले पेशी को जाने टूटा है कि नहीं, जाते तो है घर घोड़ा, चलो इनमें चल के देखेंगे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। दिल कैसा नया गेगा कुंडा कर दिखरा, चलत दिन कैसा नया गे ना, दिन कैसा नया गेगा कुंडा कर दिखरा, चलत दिन कैसा नया गे ना, दिन कैसा नया गेगा कुंडा कर दिखरा, चलत दिन कैसा नया गे ना। तो हम लोग पता चला कि आपको हमारा ज़मीन हमारे लड़की के पढ़ाई में मिशन दाखिल खारिज, ओकर बाप पढ़ी सहायता B1 खसरा और ओला निकाल, पता चली कि पटवारी हमारे ज़मीन कितना कितना बाँचे आपको बता, आपको तुम्हारा ज़मीन नहीं है कि और हमारे नाम से ज़मीन नहीं रही, हमारे ससुर भेरा हमारे ससुर गुमड़ा मारी गुमड़ा ले चाघे के लिए, बाद में तो पता पगी कि तेरे ससुर लगिन वो मार्शल मारुति वैन में चघा के ले जिया। मोर पिताजी गुजर फौद हो गई, ओकर दस्कर्मा होते में आया तो यहाँ आज किसान यहाँ मार्शल के नीचे घर पिकअप में डोहार थे कि यहाँ के आदमी कहता है को जानी CBI यहाँ जहाँ सिविल लगी सहे आदिवासी जमीन ला राग गदा ही तेहा नहीं गदा तेकर बस सिविल लगी सहे, ओकरे बस सब आदमी घर घोड़ा तहसील जाते
जबरदस्ती तुम्हार जमीन में राख लगी दे दही, तुम्हें कोयला लगा दे दही, पूरा छर लगा दे दही, माटी लगा दे दही लोहा के, उमा का कमाई हो? देखावट बा तुम्हार ज्यादा बासी जमीन में तो कंपनी नहीं बैठे की आपको कमाओ खाओगे पूरा, और दस दस ढिसमिल पास होए बा तुम्हार जमीन जात है, कहाँ जाही कंपनी? छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2003 धारा 170 ख आदिवासी जमीन को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने से रोकती है और धोखाधड़ी द्वारा हस्तांतरित की गई जमीन को आदिवासी जनजाति के सदस्यों को वापस लौटाने का आदेश देती है। 2014 में तमनार और घरघोड़ा तहसील में धारा 170 ख के तहत कंपनियों को 145 हेक्टेयर से अधिक जमीन फर्जी तरीके से हस्तांतरित किए जाने के 148 मामले सरकार द्वारा दर्ज कराए गए थे। तब से अब तक इसके 3 गुना से अधिक मामले व्यक्तियों द्वारा दर्ज कराए जा चुके हैं। कई और मामले SDM कोर्ट में दर्ज होने का इंतजार कर रहे हैं। कंपनी के लोग माइंस खोदेंगे बोल के नहीं लेते हैं, इसे थोड़ा सा जगह दे दो, ऐसे हम भी इधर उधर थोड़ा सोचते हैं, लेकिन वो लोग हमारे गांच के सरपंच या कोई ज़्यादा बात सवाल करता है ना, उसको पकड़ते हैं, वो आके फिर डांटता है हमको कि तुम ज़मीन नहीं दोगे तो तुमको ज़मीन मिलेगा ना, पैसा मिलेगा ना, यहाँ नहीं रह पाओगे, तुम बहुत बड़ा कंपनी है, तेरे को कहाँ दबा देंगे, ऐसे ऐसे करके लिए हैं। 70 ख का नियम अनुसार तो बिल्कुल गलत है, इसीलिए हम लोग 70 ख केस लगा के अपना जमीन लड़ के ले रहे हैं। कंपनी अपने आदिवासी कर्मचारी के नाम पर गांव के सारे आदिवासियों के जमीन को खरीदा है, इस संबंध में धारा 170 ख चलाया जाए। अगले साल हम लोग स्ट्राइक किए थे, उसमें SDM विनीत नंदनवार ने वहाँ लिखित में दिया था कि प्रशिष्ट ई के तहत में सामूहिक 170 ख का मामला दर्ज किया जाएगा था, लेकिन आज एक साल से अधिक हो गया लेकिन एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। आंदोलन तो अब 21 तारीख से बैठे, अगले साल भी बारिश में 1 जुलाई में बैठे थे 10 दिन इतना किले जमीन में, फिर भी हमारे कुछ सुनाई नहीं हुआ, तो बार बार SDM आके हम ऐसे उठा देंगे, अब कुछ भी हल नहीं करेंगे तो हम कैसे छोड़ेंगे, इसीलिए हम हिट करके बैठे हैं। अभी आप लोगों ने जो आवेदन दिया है उसमें 88 आवेदन आपने दिया है, व्यक्तिगत आवेदन दिए गए, सबकी पावती दी गई है और इन आवेदनों की जांच के पश्चात एक सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जो गैर आदिवासियों ने कब्जा किया है उनकी बिना सहमति किए तो वो एक अपराध का मामला है, तो हम लोग बिल्कुल अभी इसका जवाब सवाल करने की ये वो नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ किसान है तेकर करा ले 5,000 की 10,000 स्टाम्प लान, स्टाम्प कहाँ से निकलते? तहसील, तहसील कोर्ट में जाते हैं, वो जमीन तुरैना रोहन गोंड के नाम से हो गया है। इनके घर में घुस गए सरपंच तो दोनों जाके धमकी दिए, इसकी रिपोर्ट थाने में दिए सर, कुछ भी नहीं, और बुलाते तो कम से कम लोगों को लगता कि कहीं पे कुछ बहुत फर्जी। अभी जब से हमारे एरिया में कंपनी आया है पूरा फर्जी में ही दलाल पकड़ के, दलाल के माध्यम से ऐसे जमीन मालिक को मिलता है 2,000-3,000 और दलाल को मिलता है 20 लाख-30 लाख, ऐसे ऐसे फर्जी हुआ है हमारे एरिया में। धनमती नाम की महिला को उसको लेके रजिस्ट्री करवा दिए, उसी को जानकी बना दिए और वो महिला जमीन को बेच दी, मेरे जमीन को दूसरा महिला को खड़ा करके फर्जी कर दिए बोले। फिर खरीदने वाला कौन था? खरीदने वाला वही मोनेट कंपनी वाले हैं, लेकिन उसमें भी फर्जी है, वो मोनेट कंपनी वाले खरीद रहे हैं लेकिन अमर सिंह मंडला जिला के है, अमर सिंह नाम से उसके नाम से खरीद रहे हैं।
वो लोग मेरे को मारने के लिए पीछा पड़े। 3 दिन तक वो एक ठो झाड़ी अंदर में छिपी थी और खेत के पानी को जा जा के पी रही थी। 3रा दिन में वो लोग देख लिए, सबके हाथ में हथियार। पूरा रात भर हम लोग जंगल में घूमे। जिस समय पीछा पड़े ना, उस समय इधर पहाड़ इधर पहाड़ नाला उतरता है ना, उसी में पानी में हम लोग घुस गए तो बच गए, नहीं तो उसी समय उड़ा देते हमको। हमारे सिद्धार्थ जी के गला को ऐसे पकड़ दिया, जब रजिस्ट्री नहीं करवाओगे तो तेरा गला दबा दूंगा, मारेंगे पीटेंगे। पूरा 10 बजे रात को, 10:30 बजे रात को हमको बहुत डर लगा थी। तो मैं तो नहीं करूंगी बोल रही थी, लेकिन पूरा वो लोग मार पिटान चालू कर दी। तो मैं बोली हम नहीं करेंगे तो ये लोग तो हमको सबको मार डालेंगे। तो डर से वहाँ जाके मैं साइन कर दिया। कहते 440 एकड़ आपकी जमीन चाहिए, वो मां नक्शा खसरा बीवन दिया है वहाँ जन सुनाई 16 तारीख के। और वहाँ समर्थन करी वहाँ पानी खेत पाखा दरहा बिलास खाए डेहरी डिही बगचबा इति खेदा पाली चीता पाली पुसलदा इभर के आसामा पाली 25 थी गांव के पूरा जन सुनाई बल्लान ही 25-30 थी गांव के। गांव के आपको नहीं करोगे बाहर से आगे ओला रोकना है हम जे की कंपनी के समर्थन कराता हूँ गई 100 रुपया धार 1 ठीसी। अच्छा बाबू ते नाश्ता कर भी के दही वो मत वही दे चेक दी खाने सर 100 में समर्थन करी ना कि जन सुनाई के बाद में आगू। एक दिन क्या के मीटिंग बैठ के सब लड़का ला लड़का महिला पुरुष सब ला सिखाना है। वो दिन बाहर के आते हुए डंडा धेर के बैठ रहो। हमार गाँव के तो पूरा प्रभार रहते बाहर के मैन से किसे समर्थन कर दी। अब ये बात ला चाचा नहीं करी तो खोखरो हमार कहाँ जाही भेंगारी कहाँ जाही नवा पारा कहाँ जाही पता नहीं। इसमें हमारा पुराना रास्ता है जंगल जाने के लिए। तो अब अभी वो लिब्रा से ऐसे जंगल जाएंगे तो 10 किलोमीटर घूम से जाना पड़ेगा। तो हम कितना टाइम जाएंगे तो कितना टाइम पहुंचेंगे जंगल और किस काम करके हम कितना टाइम लौटेंगे घर। गार्ड वाला बोलते हैं यहाँ मत जाओ नहीं जाएंगे तो कहाँ पर जाएंगे, आकाश में थोड़े ना उड़ेंगे, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। डर है ये जंगल का झेट दे से तक बहुत दिन के कमा था ना 80-90 साल हो गई है मर खुटी जमीन नहीं है। तब मैं वही जंगल लहाड़ के हूँ नान मटूरी टूरा है पोषण पालन कर हूँ पौधा भूंडी बुन हूँ उरी झुनका हिरवा कमाहूँ कह के तो मैं वो लहाड़ के हूँ नहीं तो का बार हड़कते मोराई रहते भरपूर रहती था मऊहाला बीन के मऊहाला भून के रान के खा के माटीला बोह हूँ जंगल पतरा ला झाड़ ला मारे हो। सरकार हर हमला दे ले नहीं चाहते अब हमला आँखी में नहीं देखते ना निहारत नहीं है गरीब के कोई सहायता नहीं है ना गरीब के दुखी के सुनैया नहीं है ये हर अच्छा थोड़े है कोयला में हम थोड़े जीवो दीदी
विरोध माने हैं नी देन कहि के कहे सजोर पेंटा सेवा सेवा लाल पेंटा सेवा सेवा बुढ़ाल पेंटा सेवा सेवा। यहां पर शिकारपारा के लोग बैठे हैं जो मतलब जंगल के पट्टे नहीं मिले हैं, जबकि 200-300 लोग अभी वहाँ पूरा वो जो सिलोट पहाड़ है उसमें जंगल के पट्टे का आवेदन 10 साल से उमन दे थे, पर उमन ला पट्टा नहीं दे, वही जमीन ला कंपनी मन ला खदान के लिए दे रहे हैं। राजा जमाना ले हमन करते करते आत हम, हमर दादी परदादी ओकर आओ वो ऊपर पीढ़ी ले कमात हम, आई ये जंगल ला किसे कंपनी हमर बिना देश गाँव ला पेड़ के घूस घूस पेड़ दे के किसे ले लेता है सब तरी ला कंपनी ले ले। ता सरकार तो हमर से बनी सा हम रहें तो सरकार है तो हम ला काबर उसकी तकलीफ करवाता है सरकार, हमरू कहे कम से कम हम ला पूछती हम यहाँ बसे हैं काबर नहीं पूछे ओकर मन मन के ओकर मन मन के कंपनी लग पेला देता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को कई अधिकार दिए गए हैं। निवास के लिए वन भूमि में रहने या आजीविका के लिए खुद खेती करने का अधिकार, किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा वन भूमि पर जारी किए गए पट्टे या अनुदान को अपने नाम पर करने का अधिकार। इस कानून के तहत ग्राम सभा की अनुमति के बिना वन भूमि किसी भी परियोजना के लिए कंपनियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। किसी के पास जमीन उमीन नहीं है, जंगल से लकड़ी लाते हैं, लकड़ी बेच देते हैं, महुआ बीनते हैं, तो वहीं से कमा कमा के लाके अपना रोजी रोटी चल जाता है। जंगल बहुत जरूरी है। महुआ पेड़ के 18,000 बोल रहा है, सराई पेड़ के 22,000, तेंदू भूदरा 2,500, बहरा के भूटो झाड़ू लगाने के लिए ला 300 बोल रहा है। आपको सबके मौजा मिलेगा तुम्हें ला, आपको कहाँ मिलेगा, आपको ठेक के पूरा दह रास्ती को रुहे रख सब अंठा छाप मचीब दिया है। ये गांव के कर में 50 पेड़ से तो कम नहीं थी, महुआ पेड़ 4 पेड़ हम नहीं देंगे जमीन बोले तो रात रात के खोदने लगे तो पेड़ को अंदर छी डाल देती थी खोदाई के अंदर। दिन के बाद तो पेड़ कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। वो जो कंपनी वाले वो क्या क्या पेड़ को ला देते हैं, बोलते हैं कि पेड़ लगा पेड़ लगा, पेड़ को तो लोग उखाड़ रहे हैं कंपनी वाले, तो हम जितना भी पेड़ लगाएंगे थोड़ी ना तुरंत तो बड़ा हो जाएगा। कोई एक जानवर को कोई लोग मार देगा तो उसे 6 महीना सजा देती हैं, तो इतना जीव जंतु पर इतना तकलीफ होती है तो क्यों सरकार नहीं समझती है। एक तो सांप बिच्छू जंगल जानवर कहाँ जाएगा, जब सब जंगल उखड़ जाएगा तो लोग को खाने के लिए और उन्हीं के पास तो अब कुछ चारा नहीं है। ये हर समय इतना इतना बड़ा नांग हमारे इस घर में घुसा और लकड़ी निकालने गए जो तो छोटे बहुरिया हमार बोला थे कि मम्मी यहाँ तो माँ भैंसा तो उधर है तो किसका फुकार है इतना जोर से, तो गए और सुने तो यहाँ से तो ऐसे सुना थे कि सो सो करती है, ये क्या चीज आके हमारे घर में घुस गए, तो इतना बड़ा नाम ना करके फो फो करते हुए तो हमारे राम कुमार बोले जाओ नांगराज
आपका घर नहीं है, आपका घर तो बाहर है, हमारा घर में तुम्हारा बसेरा नहीं है, तुम्हारे मैं दस उंगली से विनती करती हूँ, जाओ नागराज निकल जाओ। ऐसे करते करते मैं पीला, ऐसे करके हम ऐसे एक बार नहीं दो बार तीन बार हर के घर में, तो उसने है तो नीचे में आग लगी है, ऊपर का धूप और नीचे का गर्मी, तो उनके तो रहने बसने का भी जगह नहीं है। जमीन खरीदने गए थे जतरा, तो उस जमीन को मन पसंद तो किए, लेकिन उनके हम कीमत सुन के आपस लौटाए, तो 14 लाख एकड़। आपका कम से कम तो 12 एकड़ जमीन गया होगा। हाँ, या फिर तो आपका जमीन से हम 12 लाख मिला है और एकड़ में वो 14 लाख बोला था, तो कहाँ से हम खरीद पाएंगे? नहीं नहीं खरीदे, और ये पल्सा वाला आए तो इतना दिन में इतना पैसा हो जाओगे कैसे? तुम नहीं समझते हो, तुम आदिवासी लोग हो, दारू पी के ख़त्म कर दोगे, ऐसे करोगे ऐसे करोगे, वो नाटक करने लगा। चार पांच लोग को मैं आपस फिरा दिया रही, जिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बीमा नहीं करती हूँ, मैं पल्सा में बीमा नहीं करती हूँ बोल बोल के, लेकिन ये पल्सा वाला लोग हमें मजबूर करके पैसा बीमा करवाया। वो कंपनी तो सब उड़ गए, आपका पैसा भी उड़ गया, सब सब से हम खाली हाथ बैठे हुए हैं, हमारे पास अब कुछ नहीं है, सिर्फ खाली हाथ बैठे हैं। बड़े लोग को इज्जत करते करते हमारे पूरा संपत्ति, हमारे गांव, हमारे छत्तीसगढ़ का ऐसे ही हो रही है। एक गांव के क्या नाम घर होंगे, सब हर गांव को ऐसे ही करते हैं। पर्यावरण बचेगा, नुकसान उनके बच जाएगा, तो धरती रहेगा, जमीन रहेगा, तो कहीं भी कुछ करके जीना खाना करेगा, और तो ऐसे गिरते जाएगा, कुछ नहीं लड़ेंगे तो सब तो खुहार हो जाएगा, कुछ तो बचेगा नहीं, तो आने वाला पीढ़ी क्या खाएगा, क्या पाएगा? से रायगढ़ के तमनार और घरघोड़ा तहसील में बड़े पैमाने पर खनन शुरू हुआ। कोयला निकालकर और ताप बिजली उत्पादन परियोजनाओं से 15 से अधिक कंपनियों ने करोड़ों का मुनाफा कमाया है। हरि का नाम सुमर नर चारे कभी भुलाना ना चाहिए, पाकर के मानुष दुनिया में मुक्त गवाना ना चाहिए, हमारे एरिया से जमीन बर्बाद हो रहा है, यहाँ से कोयला दूसरा देश जा रहा है, तो इसमें क्या विकास है? यहाँ रोड बनाएंगे, हमको तो इतना रोड के ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो कोई गाड़ी घोड़ा है नहीं है, जो बड़े रोड बना देंगे तो हमारा गाड़ी चलेगा बोल के। चाहिए
पूजा का पटे यारे पाप पुण्य का धन को कमाना ना चाहिए देकर के विश्वास किसी को फिर हटाना ना बीमारी ले दूर रहो टीवी मुलिया काका बीमारी के निके थी बीमारी के नाम था थे हमला रायपुर में ट्रेनिंग घेन दे रही कि हर घर में शौचालय गांव है सोच मुक्ता ओडीएफ घोषित कर दी ओडीएफ घोषित कर दी मुख्यमंत्री रमन सिंह पेपर में दे दी सही तब धूसन राग धुआं लगी रात ओला दूर नहीं करती थी बंद करती कोयला मुक्ता गवाना ना चाहिए झूठ कपट ये पाप पुण्य का धन को कमाना ना चाहिए हमार घर तो दू लड्डू आते वो का तो कमीशन पटा आथन को हो वो बिजली जहाँ जहाँ कंपनी है तहाँ तहाँ बिजली जाता है आमद से पैसे का ज्यादा खर्चा बढ़ाना ना चाहिए लोक पढ़ाई में जा करके धन को लुटाना ना चाहिए ऐसा में तो अनुसूचित क्षेत्री बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ को तो हमारे छत्तीसगढ़ क्यों आगे बढ़े सके लोग को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ पढ़ा सकते हैं तो हमारे बच्चे लोग तो और नीचे हो जाएगा नए नए पंखों की बातें सुन के नहीं फंसाना चाहिए हरि का नाम स्मरण र प्यारे कभी भुलाना ना चाहिए पांचवी अनुसूचित क्षेत्र और पेशा कानून 1996 आदिवासी बाहुल क्षेत्र पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं पेशा कानून आदिवासी समुदायों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था जो कि ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर थे ही पर मौजूदा विकास के ढर्रे की वजह से और भी उपेक्षित होते जा रहे हैं ये कानून ग्राम सभा को अपनी जमीन और संसाधनों पर नियंत्रण के संबंध में खुद की शासन प्रणाली लागू करने का अधिकार देता है और ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को अपने विकास की गति और प्राथमिकता खुद तय करने में सशक्त बनाता है मौजूदा विकास का ढांचा पेशा कानून की इस भावना के एकदम विपरीत है हमारे हस्बैंड यहाँ पर ही काम करता है कोयला खदान में हाँ। तो अकेले किससे रह पाएंगे तो इसके कारण साथ में लेकर आए थे यहाँ है जब हमारा छोटे हुआ ना तो इसका पापा का हाथ टूट गया था एक दिन पहले तो उस समय थोड़ा कर्जा उर्जा हो गया तो उसके बाद जाके मैंने कि ऐसे चलाते थे घर तो बोला इसका पापा कि कोई भी काम मिलता तो मैंने फिक्स रहता तो हम काम को करते तो जाके धनबाद में रिलेबल एक ठो है बिहार का बोला 110 रुपया करके देगा करके चलो बाहर मैंने वहां से आदमी लाएगा तो ज्यादा ना देगा तभी से यही कर रहा है जो बोल्ट पूरा नहीं लगा हुआ था ठीक ना तो जो चलाते चलाते मैं अचानक जो ढक्कन ब्लास्ट हुआ ना अंदर में जो असर लगा था वो असर अंदर घुस गया था तो तार में शॉर्ट हुआ ब्लास्ट हुआ तो टिका गया अब मैं मशीन खुद चला रहा था मशीन को और ढक्कन कहाँ गया बताइए रोज ही आदमी जाता है तो रोज लगता है कि आदमी आज क्या होगा कल क्या होगा आज ही तो देखिए ना सत्यम को पापा का फोन आया था कि कौन आदमी को अंदर में चोट लग गया
तो कंपनी को चाहिए कि हम कंपनी चला रहे हैं तो मेरा वर्कर का बच्चा कहाँ पढ़ रहे हैं, मेरा वर्कर का फैमिली कहाँ रह रहा है, दुख सुख से कैसे रह रहा है, उन लोग को कम से कम एक एक क्वार्टर दें, उसके बाद जाकर बच्चा लोग एक अच्छा स्कूल दें। और जब कंपनी चालू किया वो तो अपना फायदे के लिए किया, वो फायदा कर रहा है, वर्कर खटा के पैसा दे रहा है, उसमें क्या विकास हुआ? यहाँ कुछ तो नहीं है। अभी देखो नदी में तुम नहाने क्या था, पानी है थोड़ा थोड़ा है, अभी ये हाल है तो गर्मी में पानी रहेगा? हम लोग ना पानी के चलते गर्मी में घर चले जाते हैं। एक बार गया तो अपना बहन का घर, तो उसका ससुर आया, पूछा मेरे से कैसे वहाँ क्या काम करता था, मैं बोली कोयला मेंस में काम करता है, तो बोलते वहाँ तो कोयला मेंस में बहुत पैसा होता, मैंने कोयला में बहुत पैसा ऐसे करके मेरे को बोला। अगर अच्छा से ड्यूटी करा तो कभी 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उससे ज़्यादा थोड़ी होगा, और उसमें से पीएफ कटवे करेगा है नहीं। अरे महंगाई में 8,000-10,000 कुछ नहीं है। अभी रूम किराया जाकर देखिए ना 1,500-1,500 माने 1,200। अच्छा ये रूम में हम लोग गरीबी की स्थिति के कारण रह रहे हैं, तो ना लेटरिन है, ना पानी है, ना बाथरूम है, कुछ भी नहीं है। आज अगर पैसा रहता तो हम लोग भी बढ़िया से रहते हैं। आप तो देखते हैं बाहर खेत में हंगने जाते हैं, मुतने जाते हैं अंदर, क्या नहीं दुख है, दुख नहीं है, बहुत दुख है। किस दिन खटारा बस को भेजेगा, तो छोटा छोटा बच्चों सुबह से स्कूल गए और आने के समय में वो वहाँ पर बस तो नहीं चलेगा, जाओ बच्चों पैदा, वो सब बच्चों रेंगते रेंगते आ रहे हैं, धौरा भाठा से लड़का के रेंगते रेंगते पैदल चल के आए, लिब्रा से लोग पैदल चल के आए। हमारे ये दोनों लड़का भी वहीं से आदर्श में दिए थे, लेकिन वही बस के चलते में ये दोनों लड़का 2 महीना रुक गए, 2 महीना नहीं 3 महीना, फिर सरकारी स्कूल में डाल दिए। नहीं नहीं, कोई मुफ्त में कोई नहीं पढ़ा रहे हैं, वहाँ जाके हम लोग खड़े होने से नहीं तुम्हारे बच्चे को नहीं लेंगे ऐसे बोल देते हैं, जबकि हमारे गांव हमारे एरिया में आके वो लोग मालिक बन रहे हैं और हम लोग को चोर बना रहे हैं। और पढ़ाएंगे लेकिन वहाँ का फीस 20,000-30,000-40,000, हमको तो 20,000-40,000 रुपये देखने को नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से 30,000-40,000 रुपया देंगे और हमारे बच्चे पढ़ाएंगे? कर्मचारी मन के लोग मनाते हैं साथ में पढ़ने, तो उनके एक दिन के अलग खाना, एक दिन के अलग खाना, तो हमारे बच्चों भी ऐसे खाते हैं, उन लोग तो एक दिन में अलग खाना लाते हैं, एक दिन में अलग खाना लाते हैं, तो हमारे लिए भी ऐसा करो ना, तो घर में नहीं रहोगे तो पैसा काटे दोगे? नल जल में पानी दूंगी, फिल्टर में पानी पिलाऊंगी, डॉक्टर दूंगी, स्कूल दूंगी, यहाँ विकास करूंगी बोला। 5 रुपया हमारे गांव के नाम से कुछ पैसा खर्चा नहीं किया, तो किस लिए विकास समझेंगे? एक किलो नदी भरती थी ना, तो ओह हमारे जमीन से नीचे पानी निकलेगा, एकदम सांस लेने के लिए शक्ति नहीं होगा नदी का, बहुत ज़्यादा पूरा आते हैं ना तो ऐसे पानी घूम जाते हैं, नदी भरा गए, अरे चलो देखने का कि पूरा बस्ती के लोग आ रहे हैं। इस पानी देखने में बहुत सुंदर दिख रही है, लेकिन इस पानी में भी रोग है, ये पीने के लायक भी नहीं है नहीं, तो ये पानी पीने में हमें बहुत गंदा है, और नहीं मिलती है तो उस समय में पीना भी पड़ती है, वहाँ कोयला पानी आते हैं और फिर उसमें डांटता है, जहरीला है, तो वो पीने खाने में भी बीमारी होते हैं लोग को, शरीर में भी ऐसे फिरकी फिरकी एक खुजली होती है। कॉलोनी के पानी छोड़ती है तो केलो नदी में उतरती है सब।
फले वाला चीज में ना उसकी पड़ जाती है दस्ता, जो जब वर्षा होती है तो धुआ जाती है, और वर्षा के बाद जो शरद ऋतु आती है ना सीसर पड़ती है। ये देखो ना हमारा हाथ काला है, है? यही फसल के वजह से। इस वर्ष दीपावली में वर्षा है तो इतना नहीं, तो ऐसे पसीना पहुँचते हैं ना तो मुँह एकदम भूत के तरफ हो जाती है, उतना ही काला पड़ जाती है। अभी कोई हड़ताल में रुकावट है, थोड़ा दूर पड़ गया है, इस तरफ को कंपनी नहीं किया है ना, तो थोड़ा धान का फसल सुंदर दिस रहे थे, सब काला हो जाती है, अब फसल बहुत कम होती है। कोयला पानी के चलते जामड़ हो जाती है धरती पर, तो जमीन में कहाँ पर धान होगा, तो पानी के भी समस्या, उनके मेस के पानी तो सब हमारे जमीन पर आती है, कहाँ से बोतल, कहाँ से सीसी, कहाँ से डिब्बा, कहाँ से क्या क्या सब कुछ। नहीं बेचेंगे जमीन पर, मगर ऐसे करते रहेंगे तो लड़ेंगे और क्या करेंगे, होगा तो होगा, फसला नहीं होगा तो कोर्ट जानेगा, सरकार जानेगा, कंपनी जानेगा। किसानों की मांग जय जय, जय जय, जय जय। जमीन हड़पना नहीं चलेगा, सरकार हमसे डरती है, लड़ेंगे। हमारे मन को जीतने के लिए नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, सदा दिन ऐसे बोलते बोलते तो हमारे उम्र भी खिया गया, मरने के टाइम भी आ गया, फिर कभी हमारा बाल बच्चा नौकरी पाएगा ना, तो यहाँ काम करके जी पाएंगे। तो कल जितना है जमीन उतना को रहने दीजिए ना, हम सरकार को देंगे ना वो किसी कंपनी को देंगे, हम कमाएंगे, हम खाएंगे। आप ठेकेदार के अंडर में रहते हो? ठेकेदार के अंडर में। जमीन तो महिलाओं के नाम से रहती तो महिलाओं नहीं देती जमीन, कभी कभी नहीं बोलती, कोई कोई महिलाओं नहीं समझती, वो ही दे सकती है, नहीं तो हर महिला कोई नहीं देती अपना जिंदगी, तो जमीन है तो क्यों जमीन को हम बिक्री करेंगे। कब न्याय और कानून से तो लड़ रही हैं, किसी को गलत काम तो करने नहीं जाती हैं कोई लोग, सच्चाई में तो लड़ के हम अपने गांव, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए तो लड़ रही हैं, आगे चल के रास्ता बचेगा तो हम भी अच्छा रहेंगे। नहीं लड़ने देते हैं, अरे तुम लेडीज हो, अपने घर में रहो, अपना खाना बनाओ, नहा धो, अपना पूजा पाठ करके अपना घर में रहो बोलते हैं, लेकिन मेरे सिद्धार्थ जी नहीं बोलते हैं कि तुम अपना अधिकार के लिए कहीं भी जाके अपना लड़ सकते हो, ऐसे बोलते हैं और हमेशा मेरे साथ देते हैं। ये तेलवा के रहीन, सत्ता के रहीन, खर्रा के रहीन, हमार रहन, गारे के रहीन, सब मिल के चलबो त तो होई जी, आ का कोई लोग दुश्मन नहीं मान, बार बार जा ओकर बात तो दी ना, मोर जी हर मोर समझे नहीं तो कुछ न है ओकर, जिंदा नहीं न हो, पर माटी नहीं रही तो बची का, माटी नहीं रही तो आदमी कहां रहे, ओई तो ओइला गरीब आदिवासियों के लिए ही बैठा है, कानून बना है, लेकिन हमारा इतना ज़्यादा सुनाई नहीं होता है। हमको तो ऐसे केस कचहरी के बारे में इतना ज़्यादा मालूम नहीं था, लेकिन हमारा ज़मीन है, माने हमको लड़ेंगे तो मिलेगा सोच के ऐसे पेशी जा रहे थे, लेकिन वो लोग तो हमको कोई मतलब नहीं समझ रहे, हमसे कम 10-12 साल तो घर घोड़ा, कभी कभी साइकिल में जाते थे, कभी बस नहीं मिलता तो पैदल भी हम लोग चल चल, वो मेरा बड़ा लड़का सूरज जो पढ़ रहा है वो उसको बहुत छोटा था, उसको कपड़ा में ऐसे बांध देती थी और ऐसे पैदल चल के जाती थी और चल के आती थी, और पैसा उसा तो नहीं था उस समय हमारे पास, तो सुबह कुछ चावल वावल बना खा के निकलते हैं, निकलते थे और वहाँ से फिर ऐसे आ जाते थे हम दिन भर भूखा, और हम लोग वहाँ पेशी जाते थे तो वहाँ भी पुकार नहीं होता है, सब पूरा सबका पुकार ख़त्म हो जाने से हमको पुकार, हमारा पुकार होता है। हम लोग 14 साल तक केस लड़े हैं दीदी, इसी ज़मीन के कारण।
कंपनी के खिलाफ। कंपनी वाले को अभी सजा भी हो गया और हम लोग केस में जीत भी गए और हमारा जमीन भी, हम जमीन को भी सतर्क केस लड़ के उसको भी पा गए, उसको भी मिल गए। जानकी सिद्धार्थ बनाम मोनेट स्टील सन 2000। 2015 में जानकी अपना आपराधिक मामला भी जीत गई और इस धोखाधड़ी में शामिल कंपनी के अधिकारी एवं दलालों को कारावास की सज़ा सुनाई गई। वे अभी जमानत पर बाहर हैं। तब से लेकर अब तक इसी तरह के 500 से ज़्यादा मामले 170 ख के तहत दायर किए जा चुके हैं। जब हमको सहयोग मिल रहा है, हम इसमें लड़ रहे हैं, तो हम लोग नहीं लड़ेंगे तो पीछे जितना भी हैं गांव में वो तो सब पीछे रह जाएंगे। इसीलिए हमको लड़ना ज़रूरी था कि हमको देख के सबको भी इतना ताकत हो और लड़ें और अपना अधिकार को सबको मिले बोल के। काकर 5 ताम के, काकर 10 ताम के रिज तला भले हला रोड बना दी से ओ में अब भीख मंगवा दे, भीख मंगवा दे थे जमीन गोसिया ला अपन मालिक बना थे। कहां मन जाबो तो कहां जाबो, कते कर ला थे जी हर जो जीव जुन जाना थे। जिंदा लाइस जीवो खाइस जमीन खाइस, मैं ड्रैग तो कहूं जिंदा लाई नहीं रहतीस, मोर जमीन भागे नहीं रहतीस, न मोर जान नहीं भागे रहतीस। जवान बेटी ले मोर खतरा कर दी है, तीन तीन एकड़ जमीन ले खा दी है, तो मोहला साथ दई हो सब ले साथ दई भाई मन पुरुष मन लगा ले कहता मोहला साथ दी हो आप। ओ क्यों ना पहाड़ हो कंपनी, लेकिन हम लोग हमारे जमीन हमारे अधिकार को हमको हम पूरा मिल के लड़ेंगे और जीतेंगे और लड़ के लेंगे। जात बिन जात कुछ भी रहे, कर्मा सेमी के जश में हम वो छोटे बड़े का नीच नाच नहीं है उसमें, छोटे बड़े नहीं समझते हैं। जिस जानेगा वो सुनाचेगा, जिस गाना गाएगा तो जानते हुए लोग तो मांदर बाजते कि पैर अपने अपने उठ उठ के नाचने के लिए जाओगे जैसे बोलेगा। जीवन धक 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 करते हैं, अभी जा पाऊँगे कि तभी जा पाऊँगे। जैसे कर्मा नाचते हैं तो किसी के साथ में झगड़ा ना झंझट ना कुछ नहीं, ना हिंसा ना कुछ नहीं करते हैं। ऐसे विकास कभी होगा? ऐसे विकास होना चाहिए, हाथ के हाथ मिलाना। के विकास तो ही हरे, पूरा जमीन आपस वही, पूरा अपन खेती बाड़ी अपन के जमीन ठीक से लोग लेका बाल बच्चा बढ़िया से रही, बढ़िया साफ सुथरा घर द्वार बढ़िया, जहाँ खोखरो आम है तहाँ तो मैं इनके विकास हो जाए कि हमारे रही तब बचाई। अवा के कंपनी क्षेत्र हो गई साहब को हमार खोखरो आम तो गाँव पूरा घेर दे। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 2017 में गठित समिति ने रिपोर्ट में लिखा कि साइट विजिट के दिन बारिश होने के बावजूद इलाके में वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी ऊंचा था, उनके लिए साइट पर रुक पाना ही मुश्किल हो गया था।
उन्होंने माना कि इससे वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा होगा, इसलिए कमेटी ने अनुशंसा की कि इस प्रदूषण को रोकने का तुरंत उपाय किया जाए। अब बहुत जगह कंपनी क्षेत्र सब तारी देखा था जामपाली सिंह मजा कुड़ुम केला क्षेत्र घेन धुआं राखर कोई खातु कोयला ऐसी ऐसी मो पूरा निकलता है। अब बहुत छिक छिक हो गई ने धुआं माओदी राख मना पूरा जस्टा गिरत रही तब है गाड़ी के लड़का लड़का मन कुद पे रही मना करी तहाँ बंद करी काम करी पूरा राखर पानी बोह के आत रहे ना हमारे डाइप के आत रहे तब पानी नहीं पूरा राखर गिरत रात के जोर रहा। खिजीसी भी आती चार जी महिला देखी तो फिर गई और यहाँ के महिला मन ठीन ना है तीर तार के जेसीबी वाला लपेलाते ले थे लोकी मन ये जेसीबी तारी सुई दे हो जेसीबी वाला कहाँ पतरा थी यहाँ के देख तुम्हारे गाँव के हाँ वो रात के पहाड़ था ना और रात के मिट्टी पहाड़ आई हम दिन के तुम इन काम करो रात के हम करबो हम चरियो गांव के जमीन जाए है कुछ टिकरा डाल पेड़ पौधा कुछ नहीं बाँची से आपको लड़ते लड़ते पूरा विरोध करते करते रोज सुने हो एक बार रोज वो बाँटी खुदाई करते हैं हम रात के रोज बाटाई करते हैं आज इसने इसने करके हमारे जमीन हम बनाए हैं हमार जंगल झाल हम टोरे हैं देख कस हम जमीन के लड़ाई ला हम एक था मुर्दा उठा के हम लड़ाई ला लड़ा था हम नारी में नागे नहीं रहते हैं ताज हमार खोखरो हमार खोखरो हो जे रहती ताज हम नारी में नागे हम तही हल हम देखा था सब ढंग के राम राम जय जोहार जय किसान। अठारह तारीख के एक आदमी आए रही सी हाँ 50 लाख के चेक काट दे थो आपको कहीं कि ककरो साथ मत छाड़ो पब्लिक संग रहो मिल के रहो थाना जाएगा तो तुम्हें आगू में थाना में रहो कलेक्टर कर जाए तो कलेक्टर करा रहो आंदोलन में आगू रहो कंपनी के भीतर में आगू घुसो तो कौन जानी पैसा खाया है के कहा रही है कि तो मैं कही इसने हम दिमाग नहीं है कहें तो मेरे लिए नहीं उठाऊंगी मैं पैसा वूसा कहें मैं पब्लिक को देखता हूँ कहें आपको पब्लिक तो सरपंच है कहें मैं सरपंच न हो कहें पब्लिक तो अंठा चुन के बोर्ड दिया है कहीं ये तो आदिवासी मूर्खा हैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं है इवन कुछ नहीं जाने के मन मनमाने चलाता है कि वहाँ से वहाँ इकरी ना है के पूरा पैसा खाने वाला है वो पैसा खा के भाग दे से ओकर चल मत चलो इसे चलो करके बड़ झनला भटकैया रहते नाना पार का आके आगू शुरू तो डाल पूरा शरीर हर कांपे डर माँ कैसे बोलूँ किसे कहूँ कैसे बोलेगा आपको कैसे कहूँगे कि आपको आपको लागे आपको बाद में कंपनी के लड़ाई शुरू हो गई से हमार पूरा कंपनी हो गई हम लड़ाई के शुरुआत करें तो पूरा डर टीआई कलेक्टर एसडीओम तहसीलदार आपको हमला डर छाएगा आप अपने आदमी कस लागे और घर में रहते हैं तो वह ससुर वह डेढ़ ससुर वोहर मामा ससुर मोर मोहर मोर सास के भाई है अपन हम मामा लगे न अपन मन बड़े बाने बर पाते बड़े ला बड़े माने बर पाते तो इसने अपन ला बड़े बर बड़े मानते अभी मोला है सब नमस्ते करते और अब तो जिसने साहबा के साहब के सामने माँ आपको जीतेंगे आपको लड़ेंगे आ टी आर एन कंपनी मुर्दाबाद टी आर एन के दलालोला जूता में मारो सालोला थाना प्रभारी घुसखोरें आपको इसने बोल रहा है सोना राजा रानी हाथी घोड़ा सफर हम कैसे जाबरे रे निकोड़ा
आड़े रे हम कैसे जाम रे रे निको डाड़े नयो बाबा नकन पिसा डगर देखे हम कैसे जाम रे रे निको डाड़े रे हम कैसे जाम रे रे निको डाड़े तेरे पास में कभी हम भीख मांगने के लिए हाथ हम कभी नहीं मांगा था, लेकिन अभी हमें सरकार से हमें लड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे हाथ छीनिए सरकार कंपनियों के दोनों मिल के ये मिले जुले सरकार हैं, तो हमारे छोटे लोग को बात कहने पर कहीं भी सुनाई नहीं होती है, न तो थाना सुनती है, न कलेक्टर, न एसपी, न मंत्री, न कोई नहीं, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें कि हमारे देश में जितना ये दीदी लोग संघर्ष करती हैं उन्हीं के साथ में हम भी मिल के आओ कहते देश के महिलाओं के इकट्ठा हम जुड़ के हम संघर्ष करेंगे और लड़ाई में सोना टंगोरी जावर डोल नयो बाबा नकन पिसा डगर देखे हम कैसे जावर रे निकोडा अरे रे हम कैसे जावर रे निकोडा दुकालुराम एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य 2014। भगवती भगत और उनके गांव वालों ने पर्यावरणीय प्रदूषण के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपनी याचिका लगाई। इस पर 31 जुलाई 2018 को एनजीटी ने अपना फैसला सुनाया। इसमें जिंदल पावर लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड पर पर्यावरणीय परिस्थितियों का उल्लंघन करने और स्वास्थ्य, आजीविका व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोपों को सही ठहराया। कंपनियों को नुकसान की भरपाई करने और उन पर दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। आदेश के पालन का इंतजार है।